हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थार महोत्सव के कार्यक्रमों का आगाज जिला कलेक्टर ने बाइकर्स रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रेदाना में आकर्षक घुड़दौड़ एवं पैरासेलिंग का आयोजन। बाड़मेर जिले में लोक कला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से थार महोत्सव एवं राजस्थान दिवस समारोह के आयोजन की कड़ी में शुक्रवार 25 मार्च को प्रातः भगवान महावीर टाउन हॉल से एक्सप्लोरिंग थार बाइकर्स रैली को जिला कलेक्टर लोकबंधु ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि काफी समय बाद बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोग यहाँ की लोक कला, संस्कृति, वेशभूषा, खान पान का प्रदर्शन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि थार महोत्सव के प्रति लोगों में काफी उत्साह व उल्लास है। लोग शांतिपूर्वक ढंग से थार महोत्सव को मनाएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल महोत्सव भव्य रूप ले सकेगा। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि वे विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें तथा अधिकाधिक कार्यक्रमों में शामिल होकर इसे भव्य बनाएं। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बिश्रोही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रत्नू, राजस्व अपील अधिकारी अरविंद झाकड़, उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, नगर परिषद आयुक्त दलीप पुनिया, तहसीलदार प्रेम सिंह चौधरी, रावल त्रिभुवन सिंह, सहायक आचार्य मुकेश पचौरी, व्याख्याता ओम जोशी, दीप सिंह भाटी, पुरुषोत्तम खत्री समेत गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसके पश्चात किराड़ू में पूरा महत्व के किराड़ू मंदिरों का अवलोकन करवाया गया। यहाँ व्याख्याता ओम जोशी ने किराड़ू की स्थापत्य कला, इतिहास के बारे में जानकारी कराई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी गणरा रोड महावीर सिंह, पुलिस उप अधीक्षक चौहटन धर्मेंद्र समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसके बाद रेनाना रण पर आकर्षक घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। घुड़दौड़ प्रतियोगिता में मोहन सिंह चितलवाना प्रथम, तेज मान सिंह मगरा द्वितीय एवं अर्जुन सिंह मारूड़ी तृतीय स्थान पर रहे। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को क्रमशः 21,000, 11,000 एवं 5,000 का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद पैरासीलिंग का आयोजन हुआ। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास रिपोर्ट।